आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्लांट्स शेयर करने जा रही हूँ जिनको मैंने छोटे से छोटे पॉट में लगाया हुआ है, छोटे से कंटेनर में लगाया हुआ है। मे बी दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड होप यू ऑल लाइक इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव योर नेचर। आज मैं ऐसे प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको आप छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि गार्डनिंग के लिए हम बड़े पॉट्स ही ले। अगर स्पेस कम है और गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो छोटे कंटेनर में भी आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्लांट लगा करके। या तो आप इंडोर्स लगाएं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं, लेकिन टाइम टाइम पर उसे कंपोस्ट और फर्टिलाइज करते रहे तो वो छोटे पॉट्स में भी ईजिली चल सकते हैं। आप चाहे तो जो घर में पड़े हुए कंटेनर आते हैं टीन वाले वो भी ले सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो मिट्टी के चुक्के होते हैं उस तरह से भी ले सकते हो। जैसे कि ये पॉट है, ये मैंने रास्ते में कहीं पे चाय पिया था तो ऐसे दो मैं लेके आ गई, जिसमें पिया था उसी को मैं लेकर के आ गई। और ये भी सेम उसी की तरह का है लेकिन इस पे मैंने पेंट कर दिया है। या तो आप पेंट करके लगा सकते हो या इस तरह से जो ओरिजिनल आता है उस तरह से आप एज ए पॉट आप यूज कर सकते हो और प्लांट लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ये जो रसगुल्ले के डब्बे आते हैं तीन कंटेनर्स कोई भी तरह का, उसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं इन छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि मेरे पास से आपको मालूम ही है कि जगह बहुत कम है, छोटी सी बालकनी है और मुझे प्लांट्स रखने का बहुत ज्यादा शौक है। तो छोटे छोटे प्लांट्स भी ज्यादा रखना पसंद करती हूँ और छोटे छोटे पॉट्स में। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस प्लांट को तो पहले भी ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका है, एग्लोनीमा का प्लांट है ये। तो ये एक टीन के डब्बे में मैंने पेंट करके लगाया हुआ है, तो आप भी इस तरह से कोई भी जो टीन का डब्बा बेकार हो जाता है तो उसमें बस ड्रेनेज होल होना चाहिए, जो भी पॉट ले आप उसमें ड्रेनेज होल जरूर रखें। तो इस तरह से आप प्लांट लगा सकते हैं और इसकी देखरेख तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ ही है। दूसरा जो प्लांट मैं दिखाने जा रही हूं, ये भी एक छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और ये है फाइकस का प्लांट। इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और बहुत ही आराम से चल रहा है और ये धूप में भी चल जाता है और थोड़ी हल्की धूप छांव हो तो उसमें भी ये प्लांट इजिली चल जाता है। तो छोटे से कंटेनर में आप लगा सकते हो इस तरह से के प्लांट को। दोस्तों, अब मैं जो प्लांट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है गैस्ट्रेरिया का प्लांट। एक तरह का सकुलेंट होता है, जिस तरह का एलोवेरा होता है उसी की तरह ये सकुलेंट भी होता है गैस्ट्रेरिया का प्लांट। तो ये भी बहुत ही कम पानी की डिमांड करता है और छोटे से पॉट में चल जाता है। तो कोई भी सकुलेंट आप लगा सकते हो, ये भी सकुलेंट का वैरायटी है। जैसे एलोवेरा की देखभाल करनी होती है जस्ट लाइक दैट, इस गैस्ट्रेरिया प्लांट की भी देखभाल हम कर सकते हैं। मीडियम से लेकर के फुल सनलाइट में ये सर्वाइव कर जाता है, बहुत ही कम पानी की डिमांड रखता है। जब से मैंने इसे खरीदा है तब से सिर्फ एक बार ही पानी दिया होगा शायद, वो भी मुझे याद नहीं है। तो ये भी है एक गैस्ट्रेरिया का प्लांट जिसको आप छोटे से कंटेनर में लगा सकते हो, वो भी मैंने नर्सरी वाले पॉट में लगा रखा है। अगर आप कैक्टस के शौकीन हो तो इस तरह से आप बनी रैबिट का कैक्टस का प्लांट लगा सकते हो। कोई भी कैक्टस का प्लांट जो होता है कम से कम स्पेस में, कम से कम छोटे से छोटे पॉट में कंटेनर में चल जाता है। फ्रेंड्स, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर किसी सेरेमिक के पॉट में आप किसी भी सकुलेंट को रिपोर्ट कर रहे हो तो सॉइल जो रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करें बिल्कुल वेलड्रन सॉइल होनी चाहिए। मैंने परलाइट गार्डन सॉइल और बोन मील का जो डस्ट होता है उसको बना करके मैंने एक सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है। इस तरह से छोटे छोटे एलोवेरा के जो पप्स हैं उनको भी मैं इस छोटे से कंटेनर में लगा लूँगी। छोटे प्लांट्स या छोटे जो पप्स होते हैं उनको छोटे कंटेनर में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा पॉट लेंगे और छोटा प्लांट लगाएंगे उसमें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे जिससे प्लांट को रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और बहुत ही कम पानी की डिमांड करता है ये पौधा, जैसे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो आप जानते ही हो कि स्किन में भी काम आता है और इसके जूस को भी हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो मैंने इसके मदर प्लांट से इसको डिवाइड कर लिया था और एक छोटे से पॉट में लगाया है। सकुलेंट के साथ मैं इसे रखती हूँ जहाँ पे मॉर्निंग की हल्की धूप आती है 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये पप्स भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं छोटे से पॉट कंटेनर में। पर्पल बोट लिली का प्लांट, इसको भी मैंने इसके मदर प्लांट से एज ए पप्स
मैंने इसे छोटे से कंटेनर में लगा रखा है। तो आप छोटे छोटे कप्स का यूज कर सकते हैं, जो कप्स आपके घर में टूट जाते हैं, या फिर इस तरह के चुक्कों का आप यूज कर सकते हो, और ये काफी चलता है अच्छा इस छोटे से पॉट में, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये काफी कम पानी की डिमांड करते हैं। तो छोटे कप्स में मैं ऐसे ही प्लांट को पॉट करती हूँ जिसको पानी की कम जरूरत होती है। कंटेनर या पॉट छोटा हो तो भी उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, और इन ड्रेनेज होल्स को हम किसी कपड़े या फिर जाली वाले टुकड़े से हम इस तरह से कवर कर दें, फिर रिपोर्टिंग करें, ताकि जो भी हम इसमें प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, वो पूरा का पूरा ना निकल जाए। इस तरह से छोटे पॉट में भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और सॉइल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखेगी। ये है फ्रेंड्स लियोपॉड लिली का प्लांट, जो कि अभी ये फ्लावरिंग करने के मूड में है। इसके फ्लावर उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं जितने कि इसके लीफ होते हैं, तो ये खूबसूरत लीफ के लिए ही जाना जाता है, और बहुत छोटे से मैंने सेरेमिक के पॉट में इसे लगा रखा है। और इस पॉट के लिए जो सॉइल चाहिए वो चाहिए वेल्ड्रन सॉइल, एक तरह का ये भी सकुलेंट वेराइटी का ही प्लांट है। ज्यादातर मोस्टली हम सकुलेंट को ही छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं, और इस सकुलेंट को आप डायरेक्ट सेरेमिक के पॉट में आप इजिली लगा सकते हो, और कम पानी की डिमांड कर सकता है, और पार्शियल सनलाइट से लेके फुल सनलाइट तक भी ये सर्वाइव कर सकता है ये प्लांट। तो छोटे से पॉट में चलने वाला छोटा सा प्लांट है ये लियोपॉड लिली का प्लांट। आप इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं और छोटे में भी लगा सकते हो। ये खूबसूरत पत्तियों वाला पेपेरोमिया का प्लांट है, ये भी एक तरह का सकुलेंट है। इसको भी मैंने बहुत ही छोटे से कंटेनर में वेल्ड्रन सॉइल के साथ लगाया है, लेकिन इस प्लांट को हल्का मॉइस्चर पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ट्री के जो बार्क होते हैं वो डाला हुआ है। लेकिन ये पानी की डिमांड बहुत कम रखता है, बस जब इसे लगे कि हाँ पानी इसे चाहिए तो ऊपर से बस मिट्टी में स्प्रे कर दीजिए, तो इतनी पानी में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ये प्लांट भी काफी अच्छा चलता है, डेविल बैकबोन का प्लांट है, बड़े पॉट में भी चल जाता है और छोटे से पॉट में। तो इसको मैंने चाय के इस तरह से कप में लगाया हुआ है, जो मिट्टी का चुक्का आता है, काफी दिनों से है ये, और मुझे इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं करनी है, इसलिए मैं इसे फुल सनलाइट में नहीं रखती हूँ, जहाँ पार्शियल सनलाइट आता है वहीं रखती हूँ, क्योंकि प्लांट जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं तो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी जल्दी बढ़े, इसलिए मैं थोड़ी जहाँ पे कम सनलाइट रहती हूँ वहीं पे रखती हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी से ना बढ़ा हो। आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हो ज्यादा ग्रोथ के लिए। मेरे पास से इसका मदर प्लांट है जो काफी ग्रोथ किया हुआ है, पहले मैंने शेयर किया है, इसकी कटिंग मैंने लगाई है उसके ही मदर प्लांट से। अभी जो मैं प्लांट आप लोग को दिखा रही हूँ ये फर्न का पौधा है, जिसको मैंने बहुत ही छोटे से मटके में लगाया हुआ है इस तरह से। तो आप मटके का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा चित्रकारी कर दो, थोड़ा सा आर्ट कर दो तो खूबसूरत दिखने लग जाता है। और मैंने इस साइड में पेंट किया है और इधर थोड़ा सा फ्लावर वर्क किया है, तो एक छोटे से मटके में जो बोलते हैं उसमें लगाया हुआ है मैंने ये फर्न का पौधा, और ये काफी अच्छे से फैल रहा है, और इतने अच्छे से फैल रहे हैं कि इसके नीचे से भी ये देखिए ये रूट नहीं है, फर्न का जो ये वाला होता है ना लीफ वो निकल रहे हैं, जैसे कि शुरू में निकलते हैं इस तरह से, न्यू ग्रोथ होता है ना इस तरह से, ये देखिए ये वाला, तो ये वाली चीज इस प्लांट के नीचे से रूट से निकल, यहां से होल से निकल रही है ये। तो मैंने कहा ना कि ज्यादा प्लांट बड़े हो जाते हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल इसे मैं इसी में रखूंगी, थोड़े दिनों के बाद शिफ्ट करूंगी। तो मटका भी एक अच्छा सा ऑप्शन है, आप अगर कोई पॉट ना हो, कंटेनर ना हो, तो मटके जो होते हैं मिट्टी वाले उसमें भी आप पौधे को लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि फर्न के प्लांट को ही लगाएं, कोई सा भी प्लांट आप लगा सकते हो, मनी प्लांट लगा सकते हो, और जो मैंने प्लांट्स अभी बताए हैं वो भी प्लांट्स आप लगा सकते हो। इस कंटेनर में भी मैंने ये फर्न का पौधा लगाया है, वो बूस्टन फर्न का पौधा था, और इस फर्न के पौधे का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी फर्न ही है। इसको भी मैंने जर से जो होता है इसका जो मदर प्लांट है, मेन प्लांट है, उसके रूट से मैंने डिवीजन किया, तो एक टीन के डब्बे में मैंने इसे लगा के रखा है और काफी अच्छा चलता है। वाटर स्प्रे इस प्लांट को काफी पसंद है।
ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है फाइलोडेंड्रॉन ब्राजील का पौधा। ये भी छोटे से कंटेनर में काफ़ी अच्छा चलता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। बस इसे ब्राइट लाइट में रखें, इंडोर में भी रख सकते हैं, विंडो के पास जहाँ पे खिड़की होती है और वहाँ से लाइट आती रहती है। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हो एक छोटे से कंटेनर में इस तरह से। पर फ्रेंड्स, टाइम टाइम पर इन पौधों में ना खाद की जरूरत होती है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर, या फिर कंपोस्ट को पानी में डाल करके रात भर छोड़ दें और उसका नेक्स्ट मॉर्निंग आप पानी जो कंपोस्ट वाटर है इसमें आप डाल सकते हो। क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉट में है ये सारे प्लांट्स, तो इनको ऊपर नीचे करना मिट्टी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस फिर उसमें खाद डालना फिर ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे अच्छा है कि हम इस सभी छोटे छोटे कंटेनर में जो भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं उन सब में हम लिक्विड फर्टिलाइजर दें, तो नीचे रूट्स तक न्यूट्रिएंट्स चली जाती है। पॉट में आप स्नेक प्लांट को भी लगा सकते हो, सेंसवेरिया की कोई भी वैरायटी छोटे से छोटे पॉट में चल जाती है। ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है और ये सिल्वर मून है इस सेंसवेरिया का नाम, स्नेक प्लांट का नाम। ये जो पौधा देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट, और ये तो इंडोर में ही रखने के लिए ये प्लांट काफी फेमस है, लो लाइट सरवाइव कर लेता है और छोटे से छोटे पॉट में लगाइए ये काफी अच्छा ग्रोथ करता है। और इसके रूट्स नहीं होते, एज ए रूट्स बल्ब होते हैं इनके, वही रूट्स कहलाते हैं। पोनियम भी एक ऐसा प्लांट है जो लो लाइट सरवाइव करता है और बहुत ज्यादा छोटे से पॉट में चल जाता है ये पौधा। आप तो देख सकते होगे कि ये कितना छोटा सा पॉट है, बहुत ही इजी मेंटेनेंस वाला पौधा है, कम पानी ज्यादा टिकाऊ, बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट है। काफी दिनों तक तो मैं पानी देना भी भूल जाती हूँ लेकिन ये पौधा बस यूं ही डटा रहता है। मैंने इसके बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं अपने घर में और इसकी पत्तियां भी देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं। तो इस तरह के छोटे से सेरामिक पॉट में मैंने इसे लगा रखा है। ये छोटे से पॉट में मैंने लगा के रखा है फाइकस का प्लांट, ये भी छोटे से पॉट में काफी अच्छे से चलता है। लेकिन ये जो फाइकस की वैरायटी, इसे फुल सनलाइट की जरूरत होती है, ये इंडोर फाइकस नहीं है या फिर कम लाइट में सरवाइव करने वाला फाइकस नहीं है। लेकिन आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं इस तरह से, काफी खूबसूरत और ग्रीन ग्रीन लीफ वाला पौधा होता है, कम पानी और फुल सनलाइट। फ्रेंड्स, ये है छोटे से हैंगिंग में मैंने लगा रखा है छोटे से पॉट में मनी प्लांट का पौधा। तो मनी प्लांट को कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला ये प्लांट होता है मनी प्लांट। छोटे से छोटे पॉट में कंटेनर में ये इजिली लग जाता है। एक बार अगर इस पौधे को घर में ले आते हैं तो इसे कटिंग करके आप अनेकों पौधे रेडी कर सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है एंजोआ पोथोस का प्लांट, इसके लीव्स तो देखिए, और ये कितने छोटे से पॉट में मैंने इसे लगा रखा है। बस टाइम टू टाइम इसमें पानी देते जाइए और बिल्कुल इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, जहां पे सूरज की रोशनी बहुत ही कम आती है, तिरछी रोशनी आती हो सूरज की। ऐसे पॉट में ही आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितने अच्छे से ये फैल रहा है। ये प्लांट बहुत ही इजिली ये कटिंग के थ्रू लग जाता है, इसके नोड एरिया से आप कट कर लें और पानी में लगा सकते हैं या फिर सॉइल में डायरेक्ट प्रोपगेट कर सकते हैं इस प्लांट को। एज ए हैंगिंग बास्केट भी एंजॉय पोथो को आप लगा सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को थोड़ी ठंडक ज्यादा पसंद होती है जहां पे सूरज की रोशनी ना के बराबर आए, बहुत ही कम लाइट में सरवाइव करता है और छोटे से पॉट में। हाँ, महीने में एक बार इसे लिक्विड फर्टिलाइजर आप देते रहे, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर बेस्ट फर्टिलाइजर है किसी भी छोटे से प्लांट में कंटेनर में डालने के लिए। ठीक मनी प्लांट की तरह इसकी भी केयर करते हैं। ये है मॉन्स्टेरा एडानसोनी का प्लांट, ये भी मैंने कटिंग के थ्रू लगाया है और काफी लंबा हो गया है। मैंने इसे एक सपोर्ट दिया है दो स्टिक के थ्रू और ये भी एक छोटे से पॉट में है, मैंने इसे सेरेमिक के बुद्धा पॉट में लगाया है और काफी अच्छा चलता है। छोटे से पॉट में भी ये प्लांट काफी सरवाइव कर जाता है। और इसे मैंने लगाया है कंपोस्ट और सिर्फ कोकोपीट में, क्योंकि इस प्लांट को भी ठंडक बहुत ज्यादा पसंद है। आप इसे मॉस स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं, इसकी पत्तियों पे इस तरह के छेद होते हैं। तो बहुत ही लंबे टाइम तक इस प्लांट को अपने घर के अंदर ना रखें, एज ए इंडोर प्लांट्स जैसे कि बोलते हैं इसे, क्योंकि
इस तरह के अगर प्लांट के पत्तों पे होल चाहते हैं आप, एडानसोनिक का जो मॉन्स्टेरा का प्लांट है, तो इसे आपको थोड़ी सनलाइट में इसको रखना पड़ेगा जहां पे सूरज की ब्राइट लाइट आती है। नहीं तो दोस्तों ज्यादा लंबे टाइम तक अंदर रखने पे इस तरह के इसके पत्ते हो जाते हैं। ये कीड़े ने नहीं काटा है या खाया है, कोई पेस्ट अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसे काफी लंबे टाइम तक इंडोर में रखा, क्योंकि गर्मी ही इतनी तेज थी कि बालकनी में मैं इसे रख नहीं पाई और ये पत्ते पीले हो रहे थे इसके टिप से, इसलिए मैं इसको अंदर लेके आ गई। जब जब मैं इसको अंदर लेके आती हूं तो इसके पत्तों पे इस तरह से होल बनने बंद हो जाते हैं, ये देखिए। तो अगर आप पे इसके लीफ पे होल्स खूबसूरत छेद देखना चाहते हो, ये तो फेमस है ही, आप लोगों को पता है इसकी जो पॉपुलैरिटी है इसी कारण है कि इसके लिप्स पे इस तरह के होल्स होते हैं। तो अगर लिप्स पे होल नहीं आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसे थोड़ी से बाहर रखिए जहां पे ब्राइट लाइट आती है। स्टिल अभी तक देखिए मैंने इसे हफ्ते भर से, जब से बारिश हो रही है इसे बाहर रख रही हूं, लेकिन हफ्ते भर से इसमें कोई भी होल्स इसके लीफ में नहीं निकल के आया है। जैसे ही थोड़ी अच्छी सनलाइट इसको मिलेगी, नर्म वाली सुबह की धूप, इसके पत्तों पे भी होल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट प्लांट है वो है ये फाइलोडेंड्रॉन नियॉन का प्लांट। ये भी मनी प्लांट की तरह ही होता है, ये भी काफी अच्छी ग्रोथ करता है, ये भी नॉड एरिया से लग जाता है और छोटे से पॉट में चल जाता है खूब अच्छे से। इसको भी मैंने कॉम्पोस्ट और कोकोपीट में लगा के रखा है और इसे भी मैं सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ महीने में एक बार। नए पत्ते तो देखिए कितने खूबसूरत हैं इसके। तो ये फाइलोडेंड्रॉन की जो वेराइटी है, फाइलोडेंड्रॉन की कोई भी वेराइटी होती है कहीं भी एडजस्ट कर जाती है, छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में, और इसको मैंने इस तरह से टर्टल वाले पॉट में रखा हुआ है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हो छोटे पॉट में, अच्छे से चलने वाला, और ये ब्राइट लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है और इंडोर में भी ये प्लांट काफी अच्छे चलता है, जहां पे खिड़की हो वहां पे रखें। तो सारे प्लांट्स जो आज मैंने शेयर किए हैं काफी छोटे छोटे पॉट्स में लगाया हुआ है मैंने। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। आपके कमेंट का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार होता है और आपके कमेंट को पढ़ना भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल लव यू नेचर।